बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, यानी खुश आमदी दोस्तों। मैं हूँ आपका अपना भाई जैद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैद चांडियोगला। कॉलेज फितर की तलखी ही कल्टबाजी, नोकबाजी और तलखी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और नायाब पानी लेके आया हूँ। इंशाल्लाह ये वाला पानी आप अपने परिंदे को दें, फिर देखें कि आप परिंदा किस तरह ठीक हो जाता है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और खास होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जो भी नई और मालूमती वीडियो है आप तमाम दोस्तों भाइयों तक पहुंचती रहे। दोस्तों असल में ना मौसम अभी अभी बुलाई का स्टार्ट हुआ है, यानी कि 15 दिन पहले या महीना पहले कुछ इलाकों में तो ना तीतरों को हमने क्या किया है कि पूरा सर्दियों में ना पूरी सर्दियों में गर्म गर्म खुराकें, पिस्ता, काजू वगैरह या और भी बहुत बहुत गर्म खुराकें दिए, ताकि हमारा तीतर जो है ना गर्मी में मस्ती भी ही करे और बुलाई भी करे। तो इस वजह से ना तीतर जो है गर्म हो गए हैं। तो बहुत सारे दोस्त अब परेशान है कि यार हमें कोई चीज़ बता दें। तो भाई जान एक ही चीज़ है जो अपने परिंदे को दें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका तीतर जो है ना कल्टबाजी, नोकबाजी, तलखी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आपने करना क्या है कि ये जो खुश्क आलू बुखारा होता है आपने ये ले लेना है, एक या दो अदद, एक अदद ले लें, ठीक है। रात को इसे किसी मिट्टी के बर्तन में भिगो के रख दें। सुबह उठ के ना कोशिश करें कि चम्मच के साथ एक या दो, यानी कि छोटे जो खाने वाले चम्मच होते हैं वो निकाल के परिंदे की कुप्पी में पानी दें, और कोशिश करें कि वो हिले ना। हिलने से ये होगा कि उसके जो आलू बुखारे की खटास है या जो उसके अंदर की रस है वो उसमें मिक्स हो जाएगी। रात पड़े रहने से ना पानी में हल्की सी जो है ना खटास आ जाएगी, ज़्यादा हिलने से ना वो उसमें ज़्यादा खटास आ जाएगी, तीतर नहीं पिएगा। तो आप अपने तीतर को सिर्फ दो दफ़ा दें, सिर्फ दो दफ़ा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर देखें आपका तीतर किस तरह मस्ती भी करता है, किस तरह सेट भी हो जाता है। और साथ साथ कोशिश करें कि तीतर को ना टोरा भी दें, टोरा टोरे पर ले जाएँ जब भी ही ले जाएँ, और उसके साथ साथ मट्टी भी दें तीतर को, ठीक है ना। आजकल कुछ इलाकों में ना गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो गर्मी में ना तीतर को मट्टी देना, मट्टी में ना जो परिंदा जो है ना बिल्कुल खुश हो जाता है, तरोताज़ा हो जाता है, क्योंकि ये जंगली परिंदा है और ये आज़ाद माहौल को बहुत ही पसंद करता है। लेकिन हमने क्या किया, इसको बंद कर दिया है। तो मट्टी जब आप तीतर को देते हैं तो तीतर एकदम से ना तरोताज़ा हो जाता है, ठीक है ना। उसमें वो कैद वाली जो होती है ना फीलिंग या एहसास ख़त्म हो जाते हैं, परिंदा बिल्कुल खुश तरोताज़ा हो जाता है और अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है ना। तो इस तरह की ना मालूमती वीडियो लेके आप तमाम दोस्तों भाइयों की खिदमत में हाजिर होता रहता हूँ। तो यार आपका हक बनता है आप हमारी सपोर्ट कर दिया करें। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जो भी नई और मालूमती वीडियो है आप तमाम दोस्तों भाइयों तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखना। वसलाम।